हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी बढ़िया हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी को एक अपने आईफोन डिवाइस में सेटिंग्स बताई थी जिनको अप्लाई करके जो है अपनी फ्री फायर गेम को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है, जो है ऐप स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, बट दोस्तों वहाँ पे देखने को आ रहा है कुछ लोगों को जो है इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को आ रही है, जिसका नाम है अकाउंट नॉट इन दिस स्टोर। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है यूअर अकाउंट इज़ नॉट वैलिड फॉर यूज़। एंड जो भी दोस्तों यहाँ पे आज आप सभी का भाई जो बताने वाला है कि कैसे जो आप इसको फिक्स आउट कर सकते हैं ना, अपनी गेम को जो है ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम जो है चुटकियों में फिक्स आउट हो जाने वाली है। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को बताया है कि कैसे जो है डाउनलोड कर सकते हो फ्री फायर गेम को ऐप स्टोर से। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को ऐप स्टोर पर देखने को नहीं मिलती है सर्च बार में, बट दोस्तों मैंने आप सभी को लाइव प्रूफ के साथ दिखाया है। तो गाइस, उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन डायमेंशन कर दिया, जाके आप वॉच कर सकते हैं कि कैसे जो आप अपनी फ्री फायर गेम को आईफोन डिवाइस में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस कोई फ्री फायर मैक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री फायर जो है ओरिजिनल वाली वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया कि कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे को आशा है कि आपने वो वाली वीडियो देख ली होगी, तभी दोस्तों आप सभी को जो ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जिसका नाम है अकाउंट नॉट इन दिस स्टोर। तो गाइस इस वीडियो को भी लास्ट तक वॉच करें, उसके बाद दोस्तों आप सभी की गेम जो है इजिली डाउनलोड हो जाने वाली है। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को जल्दी से इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट करके आप सभी की गेम को जो है डाउनलोड करा देता हूं। मैं जो इसको डिलीट कर देता हूं, उसके बाद दोबारा से मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूं, ताकि दोस्तों आप जो है यहां पे बिलीव करो। ठीक है दोस्तों, यहां पे जो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, सबसे पहले आप जो मैं दोबारा आप सभी को डाउनलोड करके दिखाने जा रहा हूं, यहां पे देख सकते हैं गाइस हमारे सामने जो सर्च करने के बाद यहाँ पे फ्री फायर जैसे हमने सर्च किया, उसके बाद जो हमारी गेम जो है यहाँ पे आ चुकी है। अगर गाइस आपके ऐप स्टोर पर देखने को नहीं मिली तो गाइस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हैं गेट के बटन पे, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो गेम सक्सेसफुली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली अकाउंट नॉट इन दिस स्टोर। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी अपनी फ्री फायर गेम को। यहाँ पे दोस्तों मैं जो आप सभी को बताता हूँ कैसे जो आप यहाँ पे अपनी गेम को यहाँ पे जो नॉट इन दिस स्टोर प्रॉब्लम देखने को मिली है उसको फिक्स आउट करें, यहाँ पे डाउनलोड करें। दोस्तों मैंने जो ये वाली बात जो है पहले उस वीडियो में मेंशन करी थी, बट दोस्तों आपने जो उस वीडियो को ध्यान से वॉच नहीं किया, इसलिए गाइस आप सभी को ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिली। देखते गाइस मैंने जो इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है ऑलरेडी अपने डिवाइस में, एंड चलिए दोस्तों आप सभी को भी डाउनलोड करा देते हैं। यहाँ पे मैंने वैसे गाइस ये वाली ऑलरेडी चीज मेंशन कर दी थी, भाई आप सभी को गलती नहीं करनी, अदरवाइज गाइस आपको जो है अकाउंट नॉट इन दिस वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, बट दोस्तों आपने उस वीडियो को ध्यान से वॉच नहीं किया। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, फिर से मैं आप सभी को बता देता हूँ क्या गलती आपने की है, एंड उसको गाइस आपने दोहराना नहीं है, उसके बाद आपकी इजिली गेम डाउनलोड हो जाएगी। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे आप छोटा सा काम जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे जो आईफोन से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है, तो गाइस यहाँ पे आप जो है मेंशन भी कर सकते हैं मेरे को कमेंट में कि आपको कोई एरर आ रही है आईफोन से रिलेटेड, तो मैं जो आपके लिए सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इस पे जो है सिर्फ और सिर्फ आपको आईफोन से रिलेटेड ही कंटेंट मिलता रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको जो है फिक्स आउट कर लेते हैं, आपकी जो गेम जो है सक्सेसफुली डाउनलोड करा देते हैं, चाहे आपके पास कोई भी आईफोन डिवाइस हो। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। चलिए दोस्तों मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, गाइस थोड़ा मैं फास्ट वे में बताऊंगा, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है यहाँ पे आपने छोटी सी गलती की है, इसलिए गाइस आपको ये एरर देखने को मिली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है अपनी जो है आईडी जो एप्पल आईडी वहाँ पे क्लिक करें, एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ऐसा करने के साथ आप सभी को बता देता हूँ, यहाँ पे दोस्तों आपने एक छोटी सी गलती कर दी है जो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया था, भाई ये वाली गलती मत करना, बट दोस्तों आपने कर दी है। चलिए कोई बात नहीं, मैं जो है आप सभी की गेम दोबारा से डाउनलोड करा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चेंज कंट्री रीजन पे क्लिक करें, जैसा कि आप सभी को पता है। चलिए दोस्तों मैं जो इसको फास्ट फॉरवर्ड में कर देता हूँ, एंड यहाँ पे दोस्तों आप सभी को बताता हूँ कौन सी गलती नहीं करनी। चेंज कंट्री रीजन पे टैप ऑन कर दें, एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी को जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, भाई यहाँ पे जो है यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट कर दें। चलिए दोस्तों हम जो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ये जैसे गाइस हम जो है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर दें, एग्री पे क्लिक कर दें। ये दोस्तों बिल्कुल ही सेफ है गाइस, कोई भी इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, आप दोबारा से स्विच कर सकते हैं। एंड हाँ जी हाँ दोस्तों, आप सभी मेरे को कमेंट में जरूर बताएं जिनको ये जो है ये वाली जो सेटिंग जो मैंने बताई है इनको दोबारा से अगर इंडिया में स्विच करना चाहते हो तो वो भी गाइस मैं वीडियो बता दूंगा। तो गाइस कमेंट में बताएं कि भाई हमें जो है स्विच टू इंडिया या फिर रिटर्न टू इंडिया आपने मेरे को कमेंट में करके बता देना है, तो मैं जो है जान जाऊंगा कि भाई आप लोगों को एक वीडियो चाहिए जिसमें आपको दोबारा से अपनी इंडिया वाली कंट्री में स्विच करना है। बहुत ही ईजी सा प्रोसेस है, आपने मेरे को कमेंट में जरूर मेंशन करना है स्विच टू इंडिया या फिर रिटर्न टू इंडिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नन, उसके बाद क्लिक करने, एंड यहाँ पे जो है स्टेट में गाइस मैंने आप सभी को बताया था कुछ भी फिल कर सकते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों एंड मेन, अब मैं गाइस आप सभी को मेन चीज बताता हूँ, ये जो नॉट अकाउंट नॉट इन दिस स्टोर वाली प्रॉब्लम आप सभी को देखने को क्यों मिली है। दोस्तों यहाँ पे आपको इसलिए देखने को मिली, मैंने जैसा कि आपको बताया था भाई ये जो डिटेल है, ये जो डिटेल्स फिल करते टाइम जो है आपको ये वाली बटन यानी कि मिनिमाइज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है गाइस आपको क्या किया है, आप लोगों ने आप लोग गाइस यहाँ पे वीडियो वॉच कर रहे थे, उसके बाद देखा कि भाई मैंने कौन सी सेटिंग बताई है, वहाँ पे आपने क्या किया है मिनिमाइज किया बटन को। मिनिमाइज करने के बाद मेरी जो है यूट्यूब को खोला, वहाँ पे देखा मैंने कौन सी सेटिंग बताई, तभी गाइस ये जो है जो प्रोसेस है रॉन्ग हो गया, फेल हो गया है। मैंने गाइस आप सभी को बताया जो मैंने आपको सेटिंग बताई है उनका जो गाइस मैंने जो इनकी गाइस मैंने सेटिंग बताई है लिखी हुई है एक आर्टिकल पे, तो गाइस मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपने क्या करना है, सेटिंग्स को जो मैंने बताई है इनको दोस्तों आपको एक स्क्रीनशॉट ले लें या फिर किसी दूसरे डिवाइस में वीडियो को ऑन कर लें, वहाँ से गाइस नोट डाउन करें, इसको मिनिमाइज करके जाओगे देखने तो गाइस ये जो है प्रोसेस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एक बारी में ही फिल
करने को कहता है, क्योंकि गाइस अगर आप आपको मिनिमाइज कर देंगे या फिर कट कर देंगे पेज, दोबारा आएंगे यहाँ पे तो गाइस ये जो है नेक्स्ट का बटन डन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रोसेस फेल हो जाएगा। यही गाइस मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में भी, इसी कारण जो है आपका नोट अकाउंट नोट इन दिस प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो गाइस मैं आप सभी को लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे जो इसको फिल कर देता हूँ, ये ऑप्शन है, इसको लीव कर सकते हैं। सिटी में दोस्तों आप सभी को कुछ भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट में गाइस यहाँ पे अलाबामा जो है सेलेक्ट कर देना है, एंड उसके बाद दोस्तों जिप कोड ही सबसे ज़्यादा मेन मैटर करता है, ठीक है, 35006। एंड उसके बाद ये फोन तो गाइस आपको सेम टू सेम यही एंटर कर देना जो ये देखने को मिल रहा है। तो गाइस यार हम इसको जो है फिल कर देते हैं यहाँ पे गाइस 4567। तो गाइस ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा ये वाली बटन प्रेस नहीं करनी, अगर होम प्रेस कर देंगे तो गाइस ये नेक्स्ट का बटन जो है डन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप गाइस यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें। जी हाँ दोस्तों, मैंने आर्टिकल का लिंक जो है जो वेबसाइट का लिंक है गाइस मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं मैंने कौन सी सेटिंग लिखी है। एंड आई थिंक गाइस उसी को आपको ओपन करना चाहिए, वहाँ पे देख लेना चाहिए कौन सी मैंने सेटिंग लिखी। उसके बाद दोस्तों आपको मिनिमाइज करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी दोस्तों मैं कहना चाहूँगा आपको किसी दूसरे डिवाइस में थोड़ी देर के लिए सेटिंग ओपन करके देख लें, मेरी किसी दूसरे डिवाइस में वीडियो ऑन करके वहाँ पे देखें मैं कौन सी फिल की है। बट दोस्तों आपने ये होम बटन नहीं प्रेस करनी, अगर ये प्रेस कर दोगे तो गाइस आपका जो प्रोसेस है फेल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आप जो यहाँ पे फ्री फायर सेलेक्ट करें एंड यहाँ पे जाएं फ्री फायर पे क्लिक करें, एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी दोनों ही गेम देखने को मिलेगी, फ्री फायर मैक्स और फ्री फायर भी। तो चलिए दोस्तों हम जो फ्री फायर पे डाउनलोड करना चाहते हैं सिंपली गाइस आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं जो इसको डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद दोबारा से मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ ताकि दोस्तों आप जो है यहाँ पे बिलीव करो, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सबसे पहले आप जो मैं दोबारा आप सभी को डाउन करके दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो यही गाइस मैं आप सभी को मेन बताना चाहता था। तो गाइस जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है आप जो है अपने दोस्तों को शेयर कर दें कि भाई आपने ये गलती नहीं करनी है, उसके बाद जो आप सभी गेम जो है सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगी। देखते गाइस हमारे सामने जो गेम डाउनलोड हो रही है तो इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पे जो आप सभी को हर एक वीडियो का आईफोन से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी आईफोन से, एंड साथ में दोस्तों आपको फ्री फायर से रिलेटेड। तो गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों फिर भी कोई आपको एरर आती तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू।